बताओ कुछ आपको कैसे लग रही है चाय? चाय कैसी लग रही है बता दो भैया। बहुत ही बढ़िया है चाय। यहाँ के कैसे लग रहा? यहाँ के तो बहुत ऐसा लग रहा है कि जैसे जन्नत में आ गया हूँ। मुझे ऐसा लगता है बिस्कुट मम्मी ने दिए होंगे। क्या क्या बोला? बिस्कुट ऐसा लगता है जैसे मम्मी ने रखे हों। हाँ भाई, मम्मी ने भेजा। हाँ भैया, ये घर के बनाए बिस्कुट है, फैक्ट्री हमारी घर की है। फैक्ट्री घर की है। हाँ, पैन बिस्किट पेटीज वगैरह सभी कुछ चाहिए हो तो हमसे संपर्क करें। बिल्कुल, फिर मैं महीने मिलेगा पर चुप पैसे में ये जब मर्जी आओ। वेलकम भाई, हमारे बड़ी देर से चुप बैठे हैं। कुछ बताना चाहोगे? कैसा लग रहा है यहाँ? क्या चाय पीने के बाद हम चल दिए हैं। अब हम चलेंगे यहाँ से, पार्किंग जाएंगे, अपनी पार्किंग से बाइक उठाएंगे, फिर उसमें पेट्रोल डलवाएंगे। पेट्रोल डलवा के फिर सोल पर अकेले के निकलेंगे, क्योंकि ज्यादा समय यहाँ पे व्यर्थ करना हमारे लिए नुकसान है। जितना देर से निकलेंगे उतना देर से पहुँचेंगे। अभी बाकी सब लोग माहौल के बारे में, तो काफी बहुत अच्छा है। मौसम भी बहुत अच्छा होगा। आज के रास्ते में कोई बारिश नहीं मिली है अभी तक तो, नहीं है बल, लेकिन आगे हो सकते है। वही और ये हम पूछ रहे हैं दोस्तों की बाइक के पास। अब यहाँ से बाइक उठाएंगे, हम यहाँ से निकाल रहे हैं। ये हमारी बाइक है, एक पल्सर है, एक अपाची है, ये है हमारी ड्रीम युगा। और फिर चलेंगे अपना सुन दो प्रयास के पास। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। तो जैसे कि आप चढ़ाई कर रहे हो तो आपको कैसा लग रहा है? कुछ अच्छा लग रहा है, पर लेकिन चढ़ाई बहुत कठिन है। माइक निकाल के भी आसानी से जाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये वो पहला मतलब गेट है, यहाँ से शुरुआत होती है यात्रा की। देख सकते हैं, ये यात्रा का मेन पॉइंट है जहाँ से शुरुआत होती है। तो अब ये क्या कहना चाहेंगे बताइए, क्या कहना चाह रहे हो आप बताओ, बोलो। आप क्या कहना चाहोगे?
जा रहे थे रामबाड़ा। चलो सर, तिलकधार हमारा हो चुका है, हमारा स्वागत यहाँ पे केदार घाटी में हो चुका है, तो अब यात्रा शुरू करते हैं हम अपनी। जय बाबा जी। चलो ये आ गए हमारे भाई साहब, भाई भाई आगे बढ़िए, तो ये हमारे बड़े भाई हैं, इनको तिलक धार दीजिए। तो दे नहीं रहे तुम यार, वीडियो बना रहे। चलो भाई, मम्मी पापा के लिए आशीर्वाद मांग लिया है, बता दे। मम्मी पापा के लिए हमने आशीर्वाद बाबा ने भरपूर दिया है, आशीर्वाद के साथ हम जाके मम्मी पापा को बताएंगे, तिलक भी दिए है। तो गाइस, जैसे कि हम चढ़ाई कर रहे थे, एकदम नजर गई, एकदम नजर गई। हाँ, यहाँ पे दिखाई, यहाँ पे केदारनाथ तेरा नीचे, तो हमारी एकदम से नजर गई, हमें बहुत बड़ी जन्नत देखने को मिली। बता दो, हवा के साथ झरने का झोंका, झरने का झोंका जो हमको खींच लाएगा आपकी ओर। तो देख रहे हो कैसे झरना बह रहा है। हर हर महादेव। तो हम काफी आगे आ गए, हम बहुत टाइम हो गया चलते चलते। भाई बताओ जरा, आपको हम बहुत खूबसूरत चीज दिखाना चाहते हैं। एक झरना, एक झरना, खूबसूरत झरना है जो कि काफी बड़ा है और बहुत दूर तक है। आप आगे देखना कितना सुंदर व्यू है, आप बुला नहीं पाओगे ये वाले पल। ये वाले पल वाके नहीं बुला पाएंगे। ये देख सकते हो, ये देखो हर हर महादेव, हर हर महादेव, भैया बहुत ही खूबसूरत नजारा है, भैया बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, आगे जाकर और आने वाला है, आगे हो बहुत ज्यादा आनंद आ रहा है। सुनोगे भैया, देखो मेरे लिए पानी बहुत अच्छा आ रहा है भैया, बहुत मजा आ रहा है भैया, अभी आगे जाकर और मजा आने वाला है। बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत ही ज्यादा। मेरे को पैर सुनो गए, थोड़ा भी ना जा रहा है, पैर सुनो गए भैया, लेकिन हमें और आगे चलना है भैया। चलो और आगे चलना है यार, चलो चलो चलो, चलते रहो, चलते रहो भाई, चलते रहो। क्या बोलेगी, क्या बोलेगी,
चलते रहो गुरु, चलते रहो, लेते रहो, हमें भी लेते रहो वीडियो कॉल में, लेते रहो, चलो बहुत अच्छा लग रहा है, हमें देख सकते हैं आप कितना अच्छा बालू छाए हुए हैं। और बाकी डिटेल हमारे अभिषेक भाई देंगे, यूट्यूबर साहब जो कि एक महान यूट्यूबर है, महान यूट्यूबर जी। तो भाई जैसे कि हमने आपसे बोला था, स्वदे तुवे लक्ष्मी लज्जे महावेद्ये
तो कैसा लग रहा तुम्हें यहाँ के? कैसी रही यात्रा? यात्रा एकदम सफल रही और भीड़ भी बहुत कम है, जैसे लोग बाग बता रहे थे कि यहाँ पे बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया यात्रा हुई, दर्शन हुए हमें बहुत। और यहाँ के नजारों के बारे में क्या कहना चाहोगे? नजारे तो बर्फ नहीं है, मतलब इस बार बर्फ नहीं है। है अभी मैंने देखी, दूर पहाड़ों पे थी, पहाड़ों पे है थोड़ी बहुत, दूर पहाड़ों पे। तो यहाँ मतलब जो पहले कांटा दे दो, पहले बर्फ थी वैसी बर्फ नहीं है यहाँ पे। अच्छा, वैसे मौसम बहुत अच्छा है। हाँ मौसम तो ठीक है, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश है और थोड़ी थोड़ी ओस भी है, कोहरा भी है। ठीक है, ये खाने में क्या मंगा लिया तुमने? खाने में सर मैगी मंगाई है। अच्छा, ये किस रेट में महंगी है? ये 60 रुपए प्लेट पड़ी है। अच्छा, बड़ी महंगी है। और बताओ। बस यहाँ के दर्शन आके हम दर्शन करके बहुत बढ़िया, एक मिनट, बहुत दर्शन करके बहुत बढ़िया हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मजा आया, मन को शांति मिल रही है। चलो दर्शन तो अच्छे हुए ना तुम्हारे? दर्शन हुए, चलो बहुत बढ़िया। चलो चलो, हाँ ठीक तो ठीक है सर, ज्यादा समय ना लेते हो आपका, हम अपना व्लॉग का एंड नहीं करते। अपनी फैमिली को लेके आओ, हाँ सबको लेके आओ, बहुत अच्छे दर्शन हुए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। लोडिंग भी ज़्यादा कर रखी है, आगे भी है, पीछे भी। यात्रियों का हेलीकॉप्टर आगे उतरता है, लेकिन फायदा क्या, फिर भी 4-5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। यहाँ से 3-4 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर, बताओ क्या फायदा। हाँ बस ये है, ठीक है। बाकी आपके सामने ये सब है, आपको तो कुछ दिख ही नहीं रहा होगा, यहाँ देख लो। ओहो, क्या देख, क्या देखा नहीं होगा पहाड़, देख लो। हाँ चलो, यहाँ तो भी ऐसी चढ़ाई भी नहीं करी होगी। हाँ बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। बार नो बात को अब डोला बीच को हटा, देख लो फिसल रहा है, चढ़ता चढ़ता भी यही है। मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूँ, कभी जब आने की सोचो यहाँ पे, तो कम से कम अपने पास तुम 20,000 रुपये कम से कम लेके आओ। 3200 रुपये सरकारी रेट है इसके, गधे के, वो घोड़े के, वो करो सीधा ऊपर जाओ उससे। हमारा भाई पहली बार साथ ही, देखो ये